वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी देर के बाद एक व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। व्लॉग यही है कि जैसे कि मौसम आ गया साग का और किन्नू का, और ये अपने सरसों भी अपने अरूज पे है। तो अभी मैं आया हूँ एक बाग में, ठीक है। तो हमारे दोस्त जो बाग का काम करते हैं, उन्होंने कहीं बाग विज़िट करना था, तो मैं उनके साथ आया हूँ। बाग वो ख़रीद रहे हैं, ये बाग उनका लेने का प्रोग्राम बना हुआ है। वो अपनी कोई डील शील कर रहे हैं बैठ के। तो बाग तो बहुत अच्छा है, किन्नू शिन्नू भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, और इसी में साग लगा हुआ है और सरसों भी लगी हुई है। तो देखते हैं क्या इनका ये आपस में सेटअप होता है, बनता है। तो आपको दिखाते हैं बाग की, और किन्नू भी दिखाते हैं आपको। किन्नू की तैयारियाँ हो रही हैं जनाब। जिन जिन ठेकेदारों ने किन्नू ख़रीद लिए हैं, वो उस पर खाद वगैरह और इस तरह के अपने काम शाम वो स्टार्ट किए हुए। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि किन्नू ले लिया है और कल से तुड़ाई शुरू कर दे, इस पर भी मेहनत करनी पड़ती है, खादें डालनी पड़ती हैं, तो तब ये किन्नू बनता है। ये जनाब साग है, देख लें, साग भी लगा हुआ है यहाँ पे। सरसों का है, सरसों भी लगी है साग। शलजम देखें, शलजम जो मैंने धो लिए, और इसको अभी देसी तरीके से हमने खाना है। देसी चीज़ों का अपने एक मज़ा होता है, और ये वो देसी चीज़ है जो अभी अभी फ्रेश मैंने निकाली है। उम्मीद है आपको हमारा देसी माहौल पसंद आ रहा होगा। मेरे पीछे बाबा जी अपने जानवरों के लिए चारा बनाने में मसरूफ हैं। मैं देखा, ये उनका हुक्का भी पड़ा है साथ में। Thank you.
बंदा अपने किसी डेरे वगैरह पे आता है ना, तो बहुत सी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, जैसे शलजम हो गया, मूली होगी, गाजर होगी, और ये किन्नू हो गया। ये किन्नू तोड़ा है हमने अभी और आपको नज़र आ भी रहा है, ये अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, खिला नहीं सकता आपको, ठीक है? ये देखिए, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।